Hello friends, a great welcome to the channel. We were doing few days back the series of sample paper for UG aspirants of COET. And this is the general test section. We have done 4 parts and 60 questions, and today we will start from question number 61. This is part 5. You will be given the link of all the previous parts for your preparation in डिस्क्रिप्शन। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को जरूर देखिए, सभी सैम्पल पेपर्स जो मैंने आपको उस लिस्ट में प्रोवाइड किए हैं उनकी प्रैक्टिस करिए, दैट विल रियली बी फ्रूटफुल फॉर योर एग्जाम्स। क्वेश्चन नंबर 61, दिस इज द सीरीज 3, 16, 29, 42। दिस इज अ सिंपल क्वेश्चन। 13's गैप इज देयर इन बिटवीन ऑल द नंबर्स, 3 + 13, 16 + 13, देन 29 + 13, देन द नेक्स्ट नंबर विल बी ऑफ कोर्स 42 + 13, एंड दैट विल बी 55। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 फ्रेंड्स ए बी सी डी ई एफ आर फेसिंग आर सिटिंग अराउंड अ राउंड टेबल फेसिंग द सेंटर। C is seated between A and B. B is in immediate left of D. If C is facing E, who is facing F? Let us start making as the question says. This is center. इसको हम center मान लेते हैं और इसके आसपास 6 friends बैठे हैं, and we make the position of 6 friends. 1, 2, 3, 4, 5, and 6. This is how you should start always these type of questions. Now C is seated between A and B, लेकिन A and B के right या left ये नहीं दिया गया, लेकिन B के immediate left में D है, तो हम यहाँ बना देते हैं B को। B का face इस side है, B is in immediate left of D, तो here we will make D. T के लेफ्ट में इस तरीके से B आ जाएंगे। नाउ वी नो C इज सीटेड बिटवीन A एंड B, तो C यहाँ पर आएंगे और A यहाँ पर आएंगे, तो 4 फ्रेंड्स की सीट तो डिसाइड हो गई। नाउ सेज इफ C इज फेसिंग E, C के बिल्कुल फ्रंट में ऑपोजिट में E होंगे, तो A की फ्रेंड की पोजीशन बचती है, F यहाँ पर आएंगे ऑफ कोर्स। हु इज फेसिंग F? F किसको फेस करें उस हिसाब से D को। So option 4 B is the correct answer. तो जैसे जैसे सीटिंग पोजिशन दी गई है उसके हिसाब से आप एम्प्टी स्पेसेस में ऑक्यूपाई करते जाइए सभी फ्रेंड्स को, सभी पर्सन्स को। इस हिसाब से आपके इस तरीके के सभी क्वेश्चंस इजीली सॉल्व हो जाएंगे। ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इजीली हो जाएगा। D M T F K V I H Y M D C। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर D के बाद प्लस 2 करेंगे तो F आएगा, A B C D E F। उसके बाद प्लस 3 करेंगे तो I आएगा, उसके बाद प्लस 4 करेंगे तो M आएगा, राइट? A B C D E F सिर्फ एक का गैप है, यहाँ पर E F G H I 2 का गैप है, यानी कि प्लस 3 हुआ। उसके बाद J K L बीच में 3 का गैप है, यानी कि प्लस 4 हुआ। उसी तरीके से आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर माइनस 2 हुआ है, माइनस 3 हुआ है, माइनस 4 हुआ है, यहाँ पर अगेन प्लस 2 हुआ है, प्लस 3 हुआ है और प्लस 4 हुआ है। अब आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, यहाँ पर प्लस 5 करना। तो M के बाद ऐसा कौन सा अल्फाबेट है जो 4 के गैप में आएगा? A B C D E F G H I J K L M N O P Q R, नेक्स्ट अल्फाबेट विल बी R। D के बाद हम माइनस 4 करेंगे, अगर माइनस 4 करते हुए पहुंचेंगे तो Y से भी पहले, A से भी पहले हम Y तक पहुंचेंगे। उसके बाद हम C में प्लस 5 करेंगे तो वी विल रीच टू H। A B C D E F G, बीच में 4 का गैप होगा, प्लस 5 करना है, H विल बी द 5th वन। R Y H ऑप्शन 1 विल बी द राइट आंसर। Next question. In the following question, 2 statements are given, each followed by 2 conclusions 1 and 2. You have to consider the statement to be true even if they seem to be at variance from commonly known facts. यहाँ की statements को आपको true मानना है, अपनी common knowledge को थोड़ी देर के लिए ignore करना है। You have to decide which of the given conclusions, if any, follows from the given statement. Major companies are nowadays surviving because of the strong supply chain system. Supply chain system comprises of logistics, retailers and distributors.
Let us see the conclusion. Retailers play most important role because they interact with customers on first hand. If an organization has strong logistics, then product can easily be available to the customers in such an era of competition. Option 1 says only 2, only conclusion 2, 1 and 2 both, nahi 1, nahi 2 and only 1. Here option 1 is correct, only conclusion 2 follows. रिटेलर्स की यहाँ बात ही नहीं की गई है तो रिटेलर्स वाले पॉइंट को हम इग्नोर कर देंगे, लेकिन लॉजिस्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट बताए गए, सो वी कैन टेक अ कंक्लूजन दैट लॉजिस्टिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड प्रोडक्ट कैन इजीली बी अवेलेबल टू कस्टमर्स इन सच एन एरा ऑफ कॉम्पिटिशन बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग लॉजिस्टिक्स. सो ऑप्शन 1 हियर इज द राइट आंसर. Next question, select the correct option that is related to third term in the same way the second term is related to the first term. Television se programs ka telecast hota hai, to radio se kya hota hai? Radio se programs ka broadcast hota hai. Option 1 is the right answer. Question number 66, Mohini is taller than Neeta but not shorter than Sarita. Sarita and Malini are of the same height. Mohini is shorter than Hema. Among them, who is the second tallest? Let us see. Mohini is taller than Neeta. तो सबसे पहले हम मोहिनी और नीता का आपस में कॉम्पिटिशन करवा देते हैं. This is Mohini and this is Neeta. At least we know मोहिनी नीता से taller है, but not shorter than Sarita. अब नॉट शॉर्टर देन सरिता है तो सरिता की हाइट के बारे में तो हमें कुछ नहीं पता. सरिता से मोहिनी एटलीस्ट शॉर्ट नहीं है. दिस इज वी कैन राइट हियर, राइट. एंड सरिता एंड मालिनी आर ऑफ सेम हाइट, तो सरिता और मालिनी को हम एक साथ लिख लेते हैं. मोहिनी इज शॉर्टर देन हेमा. हेमा टॉप पर आ जाएंगे यहाँ पर. Among them, who is the second tallest? Second tallest में थोड़ा सा कहना मुश्किल हो जाएगा. यहाँ पर हमें given है मोहिनी is taller than Neeta and मोहिनी is not shorter than Sarita और मालिनी, लेकिन ये भी नहीं बताया गया कि उनसे height ज्यादा है. Maybe मोहिनी is equal to Sarita and Malini. So we cannot here decide कि whether मोहिनी और सरिता और मालिनी इनमें से टॉलेस्ट कौन है. हो सकता है कि मोहिनी टॉलेस्ट है बट दैट हैज नॉट बीन गिवन. सो हेमा इज द टॉलेस्ट वन, नीता शॉर्ट है, लेकिन मोहिनी सरिता और मालिनी में से टॉल कौन है दैट हैज नॉट बीन गिवन, सो इट कैनॉट बी डिटरमाइंड. ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर. हियर सम रिलेशनशिप क्वेश्चन. रमेश इज द फादर ऑफ मनीदीप. रमेश इज ओनली 2 चिल्ड्रन. मनीदीप इज द ब्रदर ऑफ निहारिका. तो इससे बनाना शुरू करते हैं हम अपने चार्ट को. रमेश वी नो इज फादर ऑफ मनीदीप और मनीदीप इज द ब्रदर ऑफ निहारिका. तो रमेश इज द फादर ऑफ मनीदीप एंड निहारिका. एटलीस्ट दिस मच वी कैन कंक्लूड. निहारिका इज द डॉटर ऑफ कविता. तो ऑफकोर्स निहारिका की डॉटर, निहारिका कविता की डॉटर है, तो कविता रमेश की वाइफ हुई, राइट. सो रमेश एंड कविता आर कपल. अनन्या इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ कविता. अनन्या ग्रैंड डॉटर है. अब हमें अभी नहीं पता है कि वेदर द डॉटर ऑफ मनीदीप और निहारिका. सुजीत इज द फादर ऑफ अनन्या. अगर सुजीत अनन्या के फादर है तो दैट मीन्स की निहारिका की डॉटर है अनन्या. सुजीत इज द फादर ऑफ अनन्या. हाउ इज सुजीत रिलेटेड टू मनीदीप. सुजीत इज द फादर ऑफ अनन्या यानी कि निहारिका के हस्बैंड है. मनीदीप निहारिका के ब्रदर है, सो दे आर ब्रदर इन लॉज. ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर. Next question, question number 68. Which two sign numbers need to be interchanged to make the given equation correct? 8 divided by 2 plus 4 is equal to 10. अभी तो ये statement correct नहीं है. Option दिए गए हैं divide and plus
एट एंड फोर, क्या इनसे चेंज किया जा सकता है? चेंज करके देखते हैं, एट डिवाइडेड बाय टू प्लस फोर अभी तो इक्विवेलेंट नहीं है टेन के, बट दे आर सेइंग कि डिवाइड एंड प्लस एट एंड फोर, इनको अगर इंटरचेंज कर दिया जाए, डिवाइड और प्लस को इंटरचेंज करके देखते हैं और एट और फोर को भी इंटरचेंज करके देखते हैं। तो पहले हम फोर लिख लेते हैं, फिर प्लस लिख लेते हैं, फिर प्लस टू लिखेंगे और यहाँ पर हम डिवाइड लिखेंगे, इससे भी ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं हो रही है। देन इट सेज ओनली डिवाइड एंड प्लस, इनको इंटरचेंज करके देखते हैं, दिस इज द ओरिजिनल स्टेटमेंट, इसमें सिर्फ प्लस टू डिवाइड फोर नहीं, इससे भी करेक्ट नहीं हो रहा है। प्लस एंड डिवाइड एट एंड टू, अगर इनको एक्सचेंज करके देखा जाए तो देखते हैं क्या होता है। प्लस एट और टू को भी एक्सचेंज करना है, तो टू पहले लिखेंगे हम और यहाँ पर हम डिवाइड की जगह प्लस लिखेंगे, यहाँ पर हम एट लिखेंगे, यहाँ पर हमें प्लस के साइन को भी इंटरचेंज करना है, तो यहाँ डिवाइड आ जाएगा, फोर विल रिमेन एज इट इज, नो स्टिल इट इज नॉट मेकिंग अ टेन। प्लस एंड डिवाइड टू एंड फोर, इसको करके देखते हैं, लास्ट ऑप्शन है, इसको हमारा फुलफिल हो जाना चाहिए। पहले अपनी इक्वेशन लिखते हैं, रियल इक्वेशन इज एट डिवाइडेड बाई टू प्लस फोर, प्लस एंड डिवाइड को इंटरचेंज करना है हमें, तो सबसे पहले प्लस और डिवाइड को इंटरचेंज कर लेते हैं, एट प्लस टू डिवाइडेड बाय फोर, और इसके बाद टू एंड फोर को भी चेंज करना है, एट प्लस फोर डिवाइडेड बाय टू। तो एज पर बॉट मास सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे, फोर डिवाइडेड बाय टू विल मेक विल गिव अस टू, एट प्लस टू दैट विल मेक अ, this is how you are supposed to solve these type of questions. Option 4 is the right answer. Next question. From a point D, Sarita walked 50 meters to the north. Point D ले लेते हैं हम सबसे पहले. Sarita यहाँ से 50 meter north गई. This is 50. Then after turning to right, walked 50 meters. फिर right turn हुई और फिर से 50 meters चली वो. She again turned right and walked another 70 meters. इस पर वो 70 meters चली. And finally turned right and walked 50 meters. 50 meters उतना ही distance होगा जितना उन्होंने पहले तय किया था. It will be 50. In which direction and at what distance is she from starting point D? Starting point D से अगर देखे तो उनका distance है at present 20. Because 50 was this distance and this one is 70, तो यहाँ से यहाँ तक का difference होगा हमारा 20. और अपनी previous direction से वो previous point से वो north में है इस वक्त, so it will be south में है इस वक्त, so it will be 20 meter to south. Previous point उनका north में है, वो at present previous point से south में है, so option 3, 20 meters to south is the right answer. सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन जो हमने थोड़ी देर पहले किया था, वही सेम टेक्निक अप्लाई करनी पड़ेगी हमें यहाँ पर भी. वी विल राइट ऑल द अल्फाबेट सी ए बी जी ई एफ एल जे के एन आर पी क्यू, दिस इज व्हाट वी विल राइट. अब देखते हैं यहाँ पर कितना डिफरेंस आ रहा है, सी और जी के बीच में प्लस फोर का डिफरेंस है, ए और ई के बीच में भी प्लस फोर का डिफरेंस है, बी और एफ के बीच में भी प्लस फोर का डिफरेंस है. इसके बाद एल जे के ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल, तो यहाँ पर प्लस फाइव का डिफरेंस आना शुरू हो गया, प्लस फाइव प्लस फाइव प्लस फाइव, एंड नाउ द नेक्स्ट डिफरेंस इज प्लस सिक्स प्लस सिक्स प्लस सिक्स. इसके बाद हमारा जो डिफरेंस आना चाहिए दैट शुड बी प्लस सेवन. आर में अगर हम प्लस सेवन करेंगे तो वी विल रीच टू वाई, अगर हम पी में प्लस सेवन करेंगे तो वी विल रीच टू डब्ल्यू, और क्यू में प्लस सेवन करेंगे तो वी विल रीच टू एक्स. सो वाई डब्ल्यू एक्स, ऑप्शन वन इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 71. पॉइंटिंग टू अ लेडी दिवाकर सेड हर मदर्स ओनली ग्रैंडसन इज माय सन. Divakar is pointing to some lady. Let us make Divakar.
Divakar is pointing to some lady. This is the lady. Right. Her mother's only grandson. Inki mother ka. Only grandson. Is my son. So hence this lady is actually Divakar's sister. Divakar ki sister ki mother ka grandson will be the son of Divakar. So that is how this question is solved. The correct answer will be sister. Question number 72 में एक question figure दी गई है. इस question figure से कि सभी पार्ट्स को सभी हिस्सों को यूज करके कौन से फिगर क्रिएट की जा सकती है. अगर हम यहाँ पर नाम दे दें 1, 2, 3, 4 and 5 तो आप देखेंगे एक पार्ट जो है 5 वो ये हो सकता है, एक पार्ट जो है 4 वो ये हो सकता है, एक पार्ट 3 ये हो सकता है एंड दिस कैन बी 1 and 2. बाकी किसी भी फिगर के पार्ट्स यहां से मैच नहीं करते हैं. सो दैट इज व्हाई ऑप्शन 2 हियर विल बी द राइट आंसर. वंस अगेन अ डायरेक्शन रिलेटेड क्वेश्चन. कमल स्टार्ट्स वॉकिंग फ्रॉम हिज होम फेसिंग वेस्ट डायरेक्शन. तो सबसे पहले तो हमें नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट ये क्रिएट करना चाहिए ऑलवेज. After walking 10 kilometers, he takes a right turn. So, पहले देखते हैं कमल कहाँ से अपनी वॉक स्टार्ट करें. कमल स्टार्ट्स वॉकिंग फ्रॉम हिज होम फेसिंग वेस्ट डायरेक्शन. वेस्ट डायरेक्शन को फेस कर रहे हैं कमल. सो लेट अस सी होम उनका हो गया ये. होम से स्टार्ट करते हैं और वेस्ट डायरेक्शन को फेस कर रहे हैं तो इस तरफ वेस्ट डायरेक्शन हो गई. एंड आफ्टर वॉकिंग 10 किलोमीटर्स ही टेक्स अ राइट टर्न एंड वॉक्स अनदर 10 किलोमीटर. राइट, दोबारा से उन्होंने 10 किलोमीटर की वॉक की. ही टेक्स अनदर राइट एंड वॉक्स 10 किलोमीटर टू रीच द स्कूल. स्कूल पहुंचे वो, यहाँ पर उनका स्कूल है. हाउ फार इन किलोमीटर्स एंड इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम हिज होम. अगर हम यहां से देखें डायरेक्टली तो इट इज 10 किलोमीटर. राइट, इसके इक्विवेलेंट हो जाएगा 10 किलोमीटर और प्रीवियस डायरेक्शन से वो ऊपर की तरफ आए हैं, दैट मींस इट इज नॉर्थ. सो 10 नॉर्थ विल बी द राइट आंसर. हियर कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन, यू हैव टू मैच सम वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स. इरेडिकेट, डिस्टॉर्ट, सैचुरेट एंड यूटिलाइज. इरेडिकेट आउट ऑफ दिस विल बी टू डिस्ट्रॉय समथिंग कंप्लीटली अटली. डिस्टॉर्ट मीन्स किसी इंफॉर्मेशन को मिसरिप्रेजेंट करना. सैचुरेट इज सो कंप्लीटली एंड यूटिलाइज इज यूज. सो इट विल बी SPQR. SPQR इज द ऑप्शन ए. द लास्ट क्वेश्चन इज वेरी इजी. इट इज जस्ट इवन एंड ऑड नंबर सीरीज. 2, 4, 6, 8, 10, 12 नेक्स्ट शुड बी 14. 3, 5, 7, 9, 11, 13 नेक्स्ट शुड बी 15. सो कॉम्बिनेशन ऑफ 14, 15, ऑप्शन 1 हियर इज द राइट आंसर. प्लीज टू टेल मी इन कमेंट्स कितने क्वेश्चंस आप कुछ सही से कर पाए थे और 15 में से आपका स्कोर क्या रहा. ग्रेट, बेस्ट ऑफ लक टू एवरीवन फ्रॉम माय साइड फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स.